आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं सुपर हेल्दी सोयाबीन कोफ्ता। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। हम आपके लिए हेल्दी हेल्दी रेसिपी लाते हैं। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। सोयाबीन कोफ्ता बनाने के लिए मैंने 1 बॉल सोयाबीन लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या तो खुला भी मिलता है ग्रोसरी दुकान में, उससे भी ले सकते हैं। सोयाबीन को सबसे पहले हम सॉक करते हैं। सॉक करने के लिए हम हॉट वाटर लेंगे, गर्म पानी, और इसमें डाल देंगे सोयाबीन। और इसे इस तरह से डीप करके से हम 4 से 5 मिनट के लिए से रहने देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं हमारा सोयाबीन है जो अच्छी तरह से सोक हो गया है या अपने साइज से डबल हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 बार इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। उसके बाद हम इसके जो पानी होंगे इस तरह से स्क्यूज कर लेंगे। हमने सोयाबीन के सारे पानी निकाल दिए हैं। इस तरह से स्क्यूज करके देख रहे हैं पानी नहीं है। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। हमें कोफ्ता बना रहे हैं इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब सोयाबीन को ग्राइंड करने के लिए मैंने एक जार लिया है। जार में हम डालेंगे 5 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक, थोड़ा डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, उसके बाद डालेंगे हम सोयाबीन चंक्स को। इसे बंद और चालू करते हुए 3-4 बार इसे हम चला लेंगे अच्छी तरह से। इसे हमें दरदरा पीसना है। ये हमारा सोयाबीन चंक्स ग्राइंड होकर रेडी हो गया है। अब सोयाबीन को ग्राइंड करें तो 2 बैच में ग्राइंड करें। इसे पानी नहीं डालना है ग्राइंड करने से। तो इसे ग्राइंड करते समय पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से दरदरा रहेगा। अब देख रहे हैं अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा गोल्की पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, 1 स्मॉल ऑनियन चॉप्ड, 3 टेबल स्पून बेसन। बेसन को हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं। इससे हमारे कोफ्ता बनाने के लिए, कोफ्ता के जो बॉल्स बनाएंगे उसे बनाने में आसानी होगी, अच्छे तरह से बाइंड हो जाएगा। इसे मिला लेंगे सबको। इसमें ज़्यादा बेसन डालने की जरूरत नहीं होता है, आसानी से बाइंडिंग हो जाती है। इससे सारा मिक्सचर हमारा मिल गया है अच्छी तरह से। हैंड में मैंने ऑयल को अप्लाई कर लिया है। इसके बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, आप बॉल्स अपने स्वाद से कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, इस तरह से दबाते हुए। ये हमारा बॉल बन के रेडी हो गया है। हमारे सारे कोफ्ता बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। ये फ्राई करने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं कोफ्ते। 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसे पलट देंगे। हमारे कोफ्ते दोनों साइड से अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो गया। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसका। जो बाकी के बचे कोफ्ते हैं इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप कैसा खाना पसंद करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और डाल देंगे 1 रेड चिली। कुछ मैंने गर्म मसाला लिए हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 लौंग, छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता और इसे हम चटकने देंगे। इस टाइम पर गरम खड़े गरम मसाला डालने से इसका टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है। हमारे मसाले चटक गए हैं। मैंने 2 मीडियम साइज के ऑनियन को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड करके ले सकते हैं या तो छोटे छोटे चॉप करके भी ले सकते हैं। और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। दो से तीन मिनट मैंने ऑनियन को फ्राई कर लिया है। अब इसे स्टेज पर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी हम इसे फ्राई कर लेते हैं।
हमारा अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। मसाले को भी अच्छी तरह से हम सब फ्राई कर लेते हैं। 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर, वैसे सबको मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। मैंने 3 मीडियम साइज टोमेटो को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे भी अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। हम इसी स्टेज पे डाल देंगे सॉल्ट। हमारे मसाले हैं जो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब देखते हैं ऑयल है जो हमारा सेपरेट हो गया है। अभी इस स्टेज पर हम डाल देंगे कसूरी मेथी। इसे भी 2 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे पानी। आप जैसा ग्रेवी देखना चाहते हैं उसके अनुसार से पानी डालें। इसे हम बॉयल होने देंगे और इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह से ढक के इसे हम ग्रेवी को इसे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट मैंने ग्रेवी को पका लिया है। हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से ये बॉयल होकर पक गया है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे कोफ्ता जो फ्राई करके रखते हैं। निकल करके कोफ्ते को हम डालते जाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, अगर वेजिटेरियन है उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये कोफ्ता। इसे हमें सप्ताह में एक दिन हमें सोयाबीन को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। कोफ्ता डालने के बाद हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और इसे हम कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए बस पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम कवर हटाते हैं। कोफ्ता हमारे अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो गया है। इसे हम बहुत ज़्यादा कोफ्ते को डालने के बाद नहीं पकाएंगे वरना हमारे कोफ्ते हैं ये टूटने लगेंगे। इसे लास्ट हम गार्निश कर देंगे कोरिएंडर लीव से। ग्रेवी अपने अनुसार से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसे आप रोटी चावल नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। कोफ्ते की ग्रेवी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और ठीक होगा। ये हमारा माउथ वाटरिंग कोफ्ता बन के रेडी हो गया है और इसे अब गर्मा गर्म सर्व करें। हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो दिए गए लिंक को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा।